हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं फ्रेंड? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मेरे ब्लॉग में कुछ स्पेशल होने वाला है। वो स्पेशल क्या होगा मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कशिश, कशिश आज अंडा राइस बना रही है। कशिश क्या कर रही है? तो फ्रेंड कशिश खेलने के लिए मुंह खुलाई है। वो बोले कि मम्मी मैं नीचे जाऊंगी खेलने के लिए। तो मैं बोली कि अभी नहीं जाना है, शाम में जाना है खेलने के लिए, इसीलिए वो मुंह खुलाई है और बोली मैं अंडा राइस बना रही। तो वो अभी अंडा राइस बना रही है। तो फ्रेंड अभी कशिश हम लोगों को अंडा राइस बना के खिलाएगी। और आज दिन शनिवार है, हम खिचड़ी बनाएंगे। तो फ्रेंड अभी हम टेस्ट करके बताते हैं कि अंडा राइस कशिश कैसे कैसा बनाएंगे। बहुत टेस्टी बनाई है फ्रेंड कशिश अंडा राइस। अभी देखते हैं कशिश बोल कहाँ गई। क्या करी कशिश? ये लोग देखिए खेल। हाय लाइक एंड सब्सक्राइब। ये जूस था। हाय मेरा चक्कर तो दिखाओ। ये जूस। हाय मैं ये जूस था। ये देखो मोहित है। देख सकते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा बना था। और इसका देखिए सिर फट गया है। साइकिल चलाने से इसकी गलती थी, इसने ठोक दिया पीछे से। साइकिल से वो गिर गया था तो उसका सिर फट गया है। अभी तो अभी उसको बैंडेज लगा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड कशिश भी अंडा राइस खा रही है और इसकी फ्रेंड तैबा है। उसको बोले कि तैबा तुम भी खा लो तो वो नहीं खाई। क्यों नहीं खाई तैबा? उसको भूख नहीं था। तो फ्रेंड अभी हम खिचड़ी बनाएंगे। तो फ्रेंड ये देखिए खिचड़ी के लिए हम दाल और चावल को एक में मिक्स कर लिए हैं और इसमें थोड़ा सा तेल देते हैं कुकर में। तो ये देखिए फ्रेंड इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिए खिचड़ी में और टमाटर भी डाल दिए हैं कुछ चला करके। अब इसमें सब पानी डाल देते हैं। तो फ्रेंड मेरा खिचड़ी भी होने में टाइम है। तब तक नारियल पानी पीते हैं। तो फ्रेंड मेरा खिचड़ी तो बन गया है और ये देखिए पापड़ है। तो थोड़ा सा पापड़ को फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड खिचड़ी के लिए चोखा बना रहे हैं हम। आलू तो बहुत गर्म है। तो ये देखिए फ्रेंड अभी हम चोखा बना लेते हैं। हम
इसमें थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च और सरसों का तेल और नमक डाले हैं। ये देखिए फ्रेंड, मेरा खिचड़ी बन गया। खिचड़ी में घी के बिना खिचड़ी अच्छा नहीं लगता है खाने में। चोखा और ये देखिए दही है और ये फ्रेंड, इसको बिहार में लोग हर दिन शनिवार के दिन बना करके खाते हैं। मेरे घर में तो खिचड़ी अक्सर बन ही जाता है हर शनिवार के दिन, क्योंकि खिचड़ी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोग भी इस तरह से खिचड़ी बना के जरूर खाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। ये देखिए मेरा खिचड़ी और ये दही, चोखा और पापड़ है। फ्रेंड, आज का ब्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिएगा मुझे, अच्छा खराब जो कुछ भी लिखना हो लिखिएगा, ताकि हमें उससे हिम्मत मिलेगी कि हाँ मेरा ब्लॉग खराब हो है तो उससे भी अच्छा हम करने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड, और क्या बोले, तब तक के लिए मेरा ब्लॉग यहीं पे अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं। कल फिर नए ब्लॉग में मिलेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।